नमस्कार बच्चों बच्चों, मैं संजय कुमार झा एनआईसी से आज पुनः आपके लिए 12वीं कक्षा का पाठ कठिन समाकलन, क्योंकि मैंने कल भी क्लास लिया था बच्चों, और जो प्रारंभिक क्वेश्चंस थे, प्रारंभिक सवाल थे, मैंने प्रथम प्रश्नों लिखे जो कि आंकिक पे आधारित थे, पार्शल फ्रैक्शन पे आधारित थे, आंकी की भूमि पे आधारित थे। तो उन क्वेश्चंस को कल अपन ने किया था, मैंने कराया था, पर अभी जो मैं क्वेश्चंस करूंगा वो आंकी की भिन्न पे आधारित नहीं, इनका एक अलग मेथड है और मेरे खूब विश्वास है कि आपको बन जाएगा। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, हार्ड पॉइंट करने की कोशिश करते हैं। और 10वीं कक्षा में बच्चों, जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे होते हैं, वो पूर्ण वर्ग बनाना सीखते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और एमपी बोर्ड में वो पोर्शन नहीं है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और कैसे बनता है आपने इनमें कहीं 11वीं कक्षा में सीखा होगा ना, और नहीं सीखा होगा तो मैं बताने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा, पर उसी बेस पे क्वेश्चन है ना। मेन उसका मीनिंग रहता है कि क्वेश्चन का पूर्ण वर्ग में कैसे बदलना चाहिए, है ना। पूर्ण वर्ग में बदलने के बाद ही क्वेश्चन होता है। तो बच्चों, बहुत जगह बच्चों ने केवल बैठे हुए हैं पर कॉपी किताब भी नहीं खोली है। मेरा पुनः उनसे निवेदन है, मेरा पुनः उनसे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आप अभी 12वीं कक्षा के बैठे हो, बट आप कॉपी खोलो और जो दिखता है लिखता है कम से कम उसको नोट करने की कोशिश करो, है ना। दिख रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ से, कि जहाँ जहाँ मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है वहाँ बहुत जगह बच्चों ने केवल बैठे किताब बंद करके, तो ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी कक्षा के बच्चे बैठ गए। और आप भी सोचो कि आपकी क्लास में टीचर है, मैथ्स पढ़ा रहा है 12th की, और यदि 10वीं का बच्चा बैठ जाएगा तो उसको कैसा लगेगा, मतलब उसको पढ़ाना तो बैठ जाएगा। तो केवल शोबाजी करके बैठ जाए और बिल्कुल अननेसेसरी किताब नहीं खोले, तो मेरे को तो लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि ऐसे हो तो चले जाए क्लास से बाहर, पर कहीं ना कहीं हमको बुरा तो लगता है कि मैं पढ़ाऊँ बच्चा बैठे रहे, कर चलिए। मेरा काम था एक बार कहना, कहना माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ टीचर से, जो आपके शिक्षक हैं वो ध्यान देने तभी हो पाएगा, अन्यथा मेरे कहने से कुछ नहीं होगा बेटा। तो जो आगे कठिन अवकलन के आगे के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। मैं प्रारंभिक क्वेश्चंस के कुछ बिंदुओं को बताता हूँ बेटा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा मैंने यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा। अब इस क्वेश्चन को अवकलन करना है, सॉरी माफ करना, कठिन समाकलन करना है, हार्डर इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन करना कह लीजिए। तो इसको पूर्ण वर्ग, जो बच्चे पर पहली बार कर रहे हैं बेटा उनको थोड़ी तकलीफ होगी, उनको लगेगा कि कैसे करेंगे, कि पूर्ण वर्ग का जो फार्मूला होता है उस तरीके से हम लोग याद करते हैं। फार्मूला होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस कितना लिखा ए स्क्वायर, इसको जब हम करेंगे तो कितना होगा एक्स प्लस ए का कितना होगा होल स्क्वायर। इस तरीके का ये एक जनरल फॉर्म होगा, ये नीचे मैंने अंडरलाइन लगाई ऐसे, मतलब यदि मेन है बेटा इसके सामने धन है तो धन का फार्मूला माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, यदि ऐसा लिखा है तो फार्मूले का परिवर्तित रूप हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर। बस ये मेन फंडा तो यही है, धन है तो धन का फार्मूला, ऋण है तो क्या होगा ऋण का फार्मूला, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। मेन क्वेश्चन का आंसर ये है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, कहीं कहीं स्क्रीन नेट में प्रॉब्लम आती है तो अटक जाती है स्क्रीन, मैं कहूंगा निखिल जी से ठीक कर देंगे इसको। अब इसमें क्वेश्चन में बेटा जैसे मैं अलग से लिखता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, मैं दूसरे कलर से आपको लिख के दिखाता हूँ, ये जो गुणांक है हमेशा इसका एक होना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे कंपलसरी शर्त है इसका गुणांक यहाँ पर एक होना चाहिए। आप इसको लिखोगे बनाओगे
सिंपली बता रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर टू ए की जगह एक्स लिखा है और बी की जगह यहाँ पर वन लिखता हूँ मैं, यहाँ पर वन लिखता हूँ बेटा, ऐसे है ना। ये चार पांच को तोड़ सकते हैं चार और एक में, पर आप ध्यान देना ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस मैंने यहाँ पर कितना किया बी स्क्वायर है ना, और ये माइनस स्क्वायर और प्लस फाइव स्क्वायर है ना। अब मैं दोबारा देखते मैं बताता हूँ बेटा, हमारे क्वेश्चन का ये वाले पार्ट में क्वेश्चन का नहीं दिया था, इसलिए हमने इसको जोड़ा है और इसको हमने यहाँ पे घटा दिया है। क्वेश्चन के पार्ट में ना ये है, एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है और आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। बहुत लोग पांच को क्या लिख देंगे, एक धन चार, वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि जो चीजें हर जगह उपयोग होगी उसी मेथड को हमने लिया है। ध्यान देना बेटा, ये जो मैं राउंड अप लगा रहा हूँ इसका जो मान है ये देखो आप कुछ बदल नहीं रहा है, जैसे ये 2x लिखा है यहाँ पर भी ये 2x लिखा हुआ है, केवल हमने इसको फैलाया है। और फैलाने का मेन कारण क्या है कि जो ऊपर का फॉर्मूला है इस हिसाब से हमने इसको क्या किया बेटा, फैलाने की कोशिश की है। और ये क्या लिखा जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी हम आगे आगे करके देखें कि लिखा कितना जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस वन का कितना होगा होल स्क्वायर। जो अंडरलाइन लगाई है मैंने लाल पेन से, ये वाला पोर्शन कहलाएगा, ये वाला पोर्शन कहलाएगा, और ये वाला पोर्शन जो मैं ये राउंड लगा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा ये इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर गलत लग गया बेटा, ध्यान देना ये ऐसे रहने रहेगा यहाँ पे, माइनस वन का स्क्वायर धन पांच, ये कितना हो जाएगा, ये धन चार हो जाएगा, है ना। ये इस पूरे इस ब्लॉक का मतलब हो जाएगा, माइनस वन स्क्वायर धन पांच का मतलब हो जाएगा चार हो जाएगा, ये पांच है बेटा, ध्यान देना। मैं इसको दोबारा ओवर राइटिंग में थोड़ा सा दिखता साफ नहीं, पर ये जो लिखा है ये कितना है, ये पांच है, पांच और ऋण एक चार हो जाएगा। तो इस मान को यहाँ पर इसकी जगह पुट करोगे, आई स्क्वायर टू ये अंडर रूट हो जाएगा बेटा, इसकी जगह जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर पूर्ण वर्ग बना मेरा, ये कहलाएगा एच प्लस वन का होल स्क्वायर, और चार को क्या लिखोगे, ये दो का स्क्वायर, ऐसे इस तरीके से होगा। मतलब ये हमको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये प्राइमरी स्टेज की मेथड कहलाती है, मतलब ये हमको आना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनाना हमको आना चाहिए। वही मेथड इसकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। पूर्ण वर्ग नहीं बने तो सवाल नहीं होगा, कंपलसरी है, इतना करना ही पड़ेगा। उसके बाद इसके लिए जो मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये क्या लिखोगे इसकी जगह, x प्लस वन इक्वल टू टी, ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt, i इक्वल टू अंडर कितना हो जाएगा बेटा, ये टी स्क्वायर प्लस कितना होगा टू स्क्वायर और कितने कहलाएगा जी टी। इस तरीके से इसका मान मत देगा, और यहाँ पे आप केवल फार्मूला अप्लाई करना है बेटा, यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना। मैं फार्मूला लिखता हूँ, ध्यान देना मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसको मैं एक्सपेंड करके भी दिखाऊंगा ये फार्मूला का चेंज किस तरीके से होगा। फार्मूला जो यूज होगा बेटा उस तरीके का फार्मूला यूज होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान देना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना लिखा एक्स स्क्वायर, इसका जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है, वन बाय टू ब्रैकेट के अंदर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा, लॉग लगाया लॉग और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये फार्मूले का फॉर्म है बेटा, ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, है ना। मैं एक फार्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये फार्मूला जो मैंने लिखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, इसके हिसाब से ये इंटीग्रेट होके आएगा, ये ध्यान देना बेटा। इसको एक बार और आप इसको रीअरेंज करके लिख लो, ये ए स्क्वायर और ये कितना लिखा है बेटा टी स्क्वायर, आई स्क्वायर टू वन बाय टू एक्स, एक्स की जगह कितना आ जाएगा टी आ जाएगा,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू स्क्वायर प्लस कितना होगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगाओ ए टी प्लस टू स्क्वायर प्लस कितना होगा बेटा टी स्क्वायर, और बाद में यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दोगे वन बाय टू, ये वन बाय टू टी की वैल्यू क्या थी, टी हमने सपोज किया था तो अंदर ना टी हमने सपोज किया था एक्स प्लस वन, टी की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे एक्स प्लस वन लिख दोगे बेटा, ऐसा जाएगा यहाँ पर ये फोर हो जाएगा, टी की जगह यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, टू की जगह बेटा ये फोर हो जाएगा लॉग टी की जगह यहाँ पर ये एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट धन्यना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस कितना होगा ये फोर, ये पूरा सॉल्यूशन आएगा। थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है, थोड़ी तकलीफ भी होती कभी कभी बड़े सॉल्यूशन को करने पे, कोड होता तो ज्यादा परफेक्टली समझ में आता, पर चलिए जैसी व्यवस्था उसके हिसाब से अपन कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन होगा, मेरे ख्याल से आपको नोट करना चाहिए बच्चों, मेन है कहीं नहीं है, मेन है फार्मूले को, फार्मूले में बदलना क्वेश्चन को, और फार्मूले में बदला कैसे जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पता जाता है, वो मेन इम्पोर्टेंट है। बाकी तो फार्मूला आप ही देख के लगा सकते हो, बुक में जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें दिया हुआ है, सरल समाकल जो अवकलन का समाकलन का चैप्टर है उसमें दिया हुआ है कि फार्मूला लगाना कैसे है। आप पहले इसकी प्राइमरी मेथड देखो बेटा, मैंने पूरी यदि कोई बच्चा नोट कर रहा है तो उसका जो बच्चे इसको नोट डाउन कर रहे हैं आप नोट करें, मैं इसके बाद दूसरा छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, कोशिश करूंगा उसको समझाने का, फार्मूले तक मैं लाके छोड़ूंगा क्वेश्चन, आप कृपया देखो बेटा क्वेश्चन करते कैसे, मैंने पूरी कोशिश की है बताने की क्वेश्चन बनेगा कैसे, फिर भी कहीं कुछ रह जाता है मैं दोबारा जो क्वेश्चन लूंगा उसमें पूर्ण फिर से करने की कोशिश करूंगा। आप पहले कृपया देखें क्वेश्चन किया कैसे जाता है, ध्यान देने बेटा आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको देखना आपका काम है बेटा, आप प्लीज निवेदन है कि आप क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन किया कैसे जाता है। मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा बेटा, पहले क्वेश्चन बड़ा है बेटा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पेपर खाने में थोड़ा सा डैडी लगता है देखने में, आप मैं इसके कंटिन्यूशन में बताता हूँ मैंने लिया कहाँ से था, जैसे आप पेपर में करते हैं वैसे ही मैं पेपर में कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन के कंटिन्यूशन में नोट करें, मैं आगे पेश बता देता हूँ, कोशिश करें नोट करने के क्वेश्चन की विदिशा। आगे जो बच्चे बैठे आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा सर नहीं बैठे तो एमपीएस विदिशा जो आगे बच्चा बैठा है वो बात कर रहा है, विदिशा के बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, आप पढ़ने वाले बच्चे हो आप ऐसे क्यों हरकत कर रहे हो, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी बच्चों से, हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि 12th के मैथ्स के बच्चे हो तो आप नोट डाउन करो, हो सकता है कि सवाल आपको आता हो, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा तभी आपको बनेगा, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रह के बच्चों प्लीज आप क्वेश्चंस को नोट करें, क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, और आता है तो मेरे से आगे आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करें, मेरे साथ ना चलें और क्वेश्चन करके आंसर को टैली करें कि हमारा स्टेप सही है कि नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं देखो मैं आगे सीट लगाता हूँ फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, आप प्लीज क्वेश्चंस को करो बेटा, आपका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से आपका पढ़ना और आपका पढ़ना इम्पोर्टेंट है बेटा, जितना ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं है आज। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, मैं एक और क्वेश्चन को लेता हूँ, जनरल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना माइनस वाले पार्ट को बताता हूँ कैसे करते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ बेटा इसी तरीके का, पर उस माइनस साइन का क्वेश्चन है तो आपको समझा सकूं उस चीज के लिए, 15 माइनस 2x माइनस कितना लिखा x स्क्वायर और कितना लिखा dx। अब इसमें भी फार्मूला लगेगा बेटा, पर आप इस क्वेश्चन के मेथड को देखो, इसका जो फ्रंट है यहाँ पर ये सामने यहाँ पर कितना लिखा ये माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना लिखा ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, इससे थोड़ी सी यहाँ पर क्या है दिक्कत है। अब होगा क्या, इसको आप कैसे करोगे, इसको यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस कितना लिखा 15। इसको मैंने दोबारा लिखा बेटा, इस पार्ट को दोबारा लिखा मैंने यहाँ पे, और मैंने माइनस कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस कितना हो जाएगा 15। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। ध्यान देना बेटा क्वेश्चन, मैंने कहा ना हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कोई क्वेश्चन कमजोर नहीं होता है। माइनस कॉमन लिए फार्मूले के हिसाब से, फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा एक्स स्क्वायर लगाए प्लस टू ए एक्स प्लस कितना लिखा बी स्क्वायर का फॉर्म कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि आगे धन है तो धन का फार्मूला यहाँ पे बेटा ये धन है, धन का फार्मूला लगेगा टू ए की जगह एक्स बी की जगह टू लिखोगे, माफ करना बी की जगह यहाँ पे वन लिखोगे, क्योंकि इसका जो पूरा गुणा है जो मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ ये इसके बराबर आना चाहिए। टू ए बी प्लस लिखा बेटा ये बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और माइनस 15। ध्यान देना मैं दूसरे कलर से रिमार्क लगा रहा हूँ कि आपको उसका अंतर समझ में आए। बेटा ये जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन में नहीं दिया था इसलिए मैंने इसको जोड़ा और इसको मैंने यहाँ पे घटा दिया कि क्वेश्चन की मूल रूप में कोई परिवर्तन ना हो। जो अंडरलाइन लगा रहा हूँ यहाँ तक के पार्ट का जो मान हो जाएगा वो एक्स प्लस वन का कितना और ये माइनस वन और ये कितना हो जाएगा माइनस 15। अगले स्टेप में देखेंगे बेटा कि x प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा ये 16। x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 16। बेटा ध्यान देना इस माइनस को अंदर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 16 और माइनस कितना हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। 16 का मतलब हो जाएगा बेटा 4 स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना बेटा इसको मैंने पूर्ण वर्ग में ये वाला फॉर्म लिखा है। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप करता हूँ आपको, हमको पूरी उम्मीद है कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम भी कर रहा होगा तो ये तो जनरल प्रोसेस है उनका, ये कोई ऐसा 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 प्रोसेस नहीं है कि आपने पूरा इंटीग्रेशन आना चाहिए तब आप करोगे। ये तो सामान्य एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, बीजी गणितीय कैलकुलेशन है बेटा, ये तो आपको आना ही चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं बन रहा ये बन रहा नहीं, ये तो आपको बनना चाहिए। मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा पर आपको इतना क्वेश्चन आपको बेटा आना चाहिए। इसके बाद जब हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं ध्यान देना मैं दोबारा फिर दिखा दूंगा बेटा, एक सेकंड। आई की जगह ये लिखा मैंने अंडर रूट और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाएगा वो क्वेश्चन वो कितना लिखा जाएगा 4 स्क्वायर जो पहले लिख के मैंने छोड़ा है एक्स प्लस वन का कितना होगा 4 स्क्वायर और ये कितना कहलाएगा dx कहलाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा। इसके बाद इसका फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस, और इसके बाद भी ध्यान देना बेटा इसमें सपोज करोगे माना x प्लस वन बराबर t, x का डिफरेंशियल हो जाएगा dx, 1 का शून्य t का हो जाएगा dt। ये जो नया रूप हो जाएगा सवाल का इसमें 4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर और dx की जगह कितना हो जाएगा dt, मतलब फार्मूला जो लगेगा मैं ब्लॉक करके लिख के देता हूँ आपको समझ में आना चाहिए बेटा, फार्मूला समझ में आना चाहिए फार्मूला कौन सा लगेगा। मैं बिल्कुल अंडरलाइन करके दिखाता हूँ फार्मूला कि आपको भी बताना चाहिए कि इंटीग्रेशन किसका बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है यह होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर एक्स अंडर रूट कितना लिखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लिखा ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये फॉर्मूला है। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल जो मैंने लिखा है क्वेश्चन उसको इसमें परिवर्तित करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इसको इसमें कन्वर्ट करना बेटा आपको, ये आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में टी लिखा अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस ना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 4 स्क्वायर और साइन वर्स एक्स तो ये टी अपॉन ए की जगह 4 हो जाएगा। और टी की वैल्यू कितनी मानी है एक्स प्लस 1, हर जगह टी की वैल्यू पुट कर दो आई स्क्वायर टू 1/t, टी की जगह कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इसको हल कर लेना बेटा आगे मैं नहीं करूंगा, ये हो गया 16, ये वाला पार्ट 16 हो जाएगा
और साइन इनवर्स टी टी की जगह एक्स प्लस वन ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ये मतलब ये मेथड जनरल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बनेगा, एक तो आना चाहिए। मैं पहली शीट भी रखता हूँ और दूसरी शीट भी रखता हूँ, हमको पूरी तरह उम्मीद है कि आपने सीखा होगा क्वेश्चन। और इसी प्रश्नावली का जो दूसरा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन वाला पार्ट होता है वो मैं बताता हूँ इसके बाद, और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। और आपसे निवेदन है कि आप जो मैंने लिखा है इसको आप प्लीज नोट करो जरा सा। इसके बाद बच्चों मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान देना उस पे। क्वेश्चन के माध्यम से मैं मेथड बताने की कोशिश करता हूँ, और एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन इस तरीके का आ चुका है बेटा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मीनिंगफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है बेटा, जैसे मैंने क्या लिखा, 4x+1 और ब्रैकेट बंद, यहाँ पे अंडर रूट कितना लिखा है, x² - x - 2 और dx, है ना। मैं इसको एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ बेटा। क्वेश्चन होता क्या है, छोटे बच्चों आप ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना, ध्यान देना बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखा, साइन एक्स अपॉन इसको कितना लिखा कॉस एक्स और कितना लिखा dx, i बराबर लिखा, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों क्या करते हैं, अपन कॉस एक्स को t मानते हैं और माइनस साइन एक्स dx बराबर कितना हो जाता है dt। तो ये साइन एक्स और dx की जगह हम क्या पुट करते हैं, i इक्वल टू पुट करते हैं -1/t और कितना लिख देते हैं dt। ये एक तरीका है डिफरेंशियल करने का, मतलब डिफरेंशियल करते हैं और ऊपर जो न्यूमरेटर के पार्ट में जो लिखा है, अंश के भाग में जो लिखा है, जब ये जो अंश के भाग में लिखा है इस भाग को हम लाने का प्रयत्न करते हैं, तो क्वेश्चन का हमारा सरलतम रूप ऐसे बदल जाता है। मैं पुनः निवेदन करता हूँ बच्चों से, जैसे कि मान लो कि एक छोटा सा मैं मन में एग्जांपल लेके चलता हूँ, x+1 लिखा है और ऐसा लिखा है कि इसका इंटीग्रेशन करो, है ना। मान लो ऐसा लिखा है, ये 2x लिखा है यहाँ पर, ये ऐसा मैं अलग से मन से बना के बताता हूँ, माफ करना, 2x+1 लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे x² + x, इसका इंटीग्रेशन करो। एक मैंने मन से क्वेश्चन बनाया, चलिए मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ क्वेश्चन, पहले बताता हूँ। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया बेटा, मैंने कहा क्या कहा अभी बच्चों से, 2x+1 लिखा है और मेरे को ऐसा कहा कि इसका इंटीग्रेशन करो, है ना। अंदाज में जो मेरे
ज्ञान में आया, तो मैंने उदाहरण लिखा बच्चों को। तो जब मैं फार्मूला बताना चाह रहा था बेटा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जब ये क्वेश्चन है तो है क्या बेटा कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब हम इस पार्ट को सपोज करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा बन रहा है। मतलब यदि हम कहें कि माना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम कितना माने, टी माने, और इसका जब हम अवकलन करें तो कितना हो जाएगा, 2x, और x का कितना करे 1, और ये dx बराबर dt। ध्यान देना बेटा, समझाने की बात है। तो ये वाला पार्ट और ये dx की जगह हम अपने आप क्या लिख देंगे, समझदार बच्चों बेटा, इसकी जगह क्या लिख देंगे, dt dt। और इस पार्ट को हमने क्या माना है, t माना है, तो ये अपने आप यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट t, और i बराबर ये लिखा जाएगा t कितना हो जाएगा 1/2 और कितना dt। अब इसका फिर आपको समाकलन करना है, माफ करना बेटा, इंटीग्रेशन कहलाता है, कभी कभी अवकलन निकल जाता है मुझसे, ये समाकलन कहलाता है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये मेरे ख्याल से अब बन जाएगा, इसको मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं। पर जो सवाल बहुत आसान होते हैं, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ बेटा, आपको कंसंट्रेट करो, आप 12वीं के बच्चे हो, जैसे हमने इस वाले भाग को माना, जो मैं राउंड लगा रहा हूँ ध्यान, उस भाग से यदि अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएशन करने पर यदि ये पोर्शन आता है तो हमारा सवाल सरलता से हल हो जाता है। पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा, यदि हम इसको अवकलन, मतलब इसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करें तो ये वाला भाग नहीं आता है, तो हमको रीसेट करना पड़ता है, इसको हमें पूरा जमाना पड़ता है। तो जब कुछ ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर होंगे तो हम जमा नहीं पाएंगे, उसके लिए किताब में फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले का हम ज्ञान लेंगे, उस फार्मूले के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, हम बताना चाहते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था बेटा, और जो मैंने ऊपर लिखा था क्वेश्चन वो आपके सामने एक बार फिर मैं करने का प्रयत्न करूंगा। क्वेश्चन है बेटा, इसका इंटीग्रेशन करो, ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, 4x + 1 लिखा और ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा, x² - x, और कितना लिखा, -2, x² - x कितना लिखा, -2। ध्यान देना बेटा, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंटीग्रेशन में लगभग सभी क्वेश्चन आप में मायने रखते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि फॉर्मूले में हमको बताना पड़ता है। कि यदि हमने इसको सपोज किया तो ये वैल्यू नहीं आ रही है, ध्यान देना, यदि हमने इसको सपोज किया बेटा, यदि हमने इसको सपोज किया माना, इसको इस संख्या को माना, तो इसके अवकलन से आफ्टर डिफरेंशिएशन दिस नंबर इज नॉट गेटिंग, ये नंबर हमको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, फार्मूला होता है, ध्यान देना, ऐसी स्थिति में क्या होता है, फार्मूला होता है, उस फार्मूले का उपयोग करके हम आपको बताना चाहेंगे कि हम फार्मूला करते कैसे हैं। फार्मूला है बेटा, जैसे आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जैसे आप क्या लिखोगे, ये 4x + 1 लिखा मैंने, इस वाले पार्ट को लिखा, ए लिखा, डी अपॉन, किताब में दिया बेटा, ये जो इस x² - x - 2 और प्लस कितना लिखा भी, इसको ध्यान रखना, इस तरीके का मेथड यूज करेंगे कि इसको हम किसके बराबर लिखें, किसको, ये जो नंबर है इसको हम किसके बराबर लिखें, क्योंकि छोटे नंबर हैं तो आप अंदाज से इस वाले पार्ट को ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, पर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आ जाएगा तो आप इसको अंदाज से तोड़ नहीं सकते हो, अंदाज में कोई गलत हो जाएगा। उस गलती से बचने के लिए यहाँ पर जो सूत्र दिया गया, इस सूत्र का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। होगा क्या बेटा, ये x² - x + 1 ए लिखा मैंने, इसका अवकलन किया, डिफ्रेंशिएशन किया, x² - x किसका किया बेटा, -2 का, x² - x किसका किया कितना यहाँ पे, -2 का। जब हम अवकलन करेंगे यहाँ पे, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान देना कि ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ये 2x और ये -1 और प्लस कितना लिखा जाएगा भी, x² का अवकलन 2x हो जाएगा और x का अवकलन यहाँ पे -1 हो जाएगा। जैसे हम आंकिक भिन्न में हम करते हैं, हम गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करने पर, ध्यान देना बेटा, x के गुणांक की तुलना करने पर, तो ये 4 लिखा है यहाँ पे, x का गुणांक यहाँ पर 2a आ जाएगा, 2 2 4, a बराबर हो जाएगा बेटा 2,
और इसके बाद हम स्थिरांक स्थिरांक यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पे स्थिरांक कितना आएगा, ये माइनस ए और प्लस बी हो जाएगा, वन इक्वल टू ए की जगह यहाँ पे हम टू लिखेंगे, प्लस बी हो जाएगा, इधर चला जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। तो ये जो है मैथड, देना इस मैथड को जो मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ, यहाँ पे हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे, मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ लाल पेन से, ध्यान देना ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम दोबारा रीअरेंज करेंगे, है ना, ध्यान देना बेटा। बहुत ज्यादा बोर्ड पे पास में तो हूँ नहीं, जितना मैं मैक्सिमम समझा सकता हूँ पूरा प्रयत्न करूंगा। इस पार्ट को आप रीअरेंज करोगे तो कैसे करोगे, ये 4x प्लस 1 में पुट करोगे, दो पुट करोगे, ये 2 लिखा हुआ आएगा, 2x माइनस 1, और b की जगह कितना पुट करोगे, 3 पुट करोगे ऐसे। मतलब आप इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका अपने आप ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन का मीनिंग है कि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपका ये राइट क्वेश्चन क्या बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, ये क्वेश्चन का मीनिंग है, इसको जरूर ध्यान रखना बेटा। अब फर्दर फिर हम आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चन को, हम इसका समाकलन करेंगे। क्वेश्चन में जो मेरा मेन क्वेश्चन का पार्ट है बेटा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं बार बार उसको रिमार्क लगा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं पेन से बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के पार्ट की जगह 4x प्लस 1 की जगह हम इस वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, ये जो मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, इसकी जगह मैं पूरा मार्क लगा के दिखा रहा हूँ, इसकी जगह आप लिखोगे, इसकी जगह आप इस वैल्यूज को आप लिखोगे, तो क्वेश्चन का जो रूप है वो इस तरीके से हो जाएगा बेटा, 4x प्लस 1 की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और प्लस कितना होगा ये 3 ब्रैकेट क्लोज, और पीछे जो बगल में लिखा था इसका ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मैंने सीधे सीधे ये आपका समाकलन का निशान लगाया बेटा, समाकलन इंटीग्रेशन का निशान लगाया, और ये मैंने इसकी जगह लिखा बेटा, ये मैंने पहले बताया 4x प्लस 1 का जो रूप था ये था यहाँ पे ये 2x माइनस 1 और प्लस कितना था 3, ये मैंने इस तरीके से इसको रीअरेंज किया। अब है क्या बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 2 लिखा बेटा, 2x माइनस 1 लिखा, ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस 3 लिखा बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना माइनस 2 लिखा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, आगे क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करेंगे। बाकी बच्चों इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैंने कहा ना बताना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जब आप टी मानोगे, इस मेथड को जब आप टी मानोगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का निशान लगेगा विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू dx। सपोज करोगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर t, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, dx बराबर हो जाएगा dt, i बराबर हो जाएगा बेटा, ये जो है इस पार्ट की जगह कितना लिख देंगे यहाँ पे हम dt लिख देंगे, और ये अंडर रूट कितना लिखा जाएगा t, और इसको जब पूर्ण वर्ग बनाओगे, बगल वाले को जब पूर्ण वर्ग बनाओगे, तो पूर्ण वर्ग जब बनेगा बेटा, तो इस तरीके का आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। इसमें पूर्ण वर्ग बनने के बाद ये इस तरीके से लिखा जाएगा, x माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसको इसको चूंकि t मान चुके हैं, तो इसको आप यहाँ पर दूसरा फंक्शन मान लेना, दूसरा फंक्शन मान लेना, मैं दोबारा लिखता हूँ बेटा यहाँ पे, मानना कि x माइनस 1 बाय 2 बराबर u, तो ये हो जाएगा dx बराबर du, और हमारा जो सवाल का जो मूल रूप है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, बिल्कुल आप ध्यान देना बेटा, i बराबर 2 लिखा, अंडर रूट t कितना लिखा, dt लिखा मैंने, प्लस 3 लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर ये u स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर और कितना होगा du। ये जो वैल्यूज पुट किए हैं वो आपको अपने ज्ञान में रखना पड़ेगा, संज्ञान में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत होने लगेगा। ये क्वेश्चन का मूल भाव है,
ये क्वेश्चन का अभी आगे यहाँ पर आपको समाकलन करना है, इसको आगे यहाँ पे आप इंटीग्रेट करना है। ये जनरल है बेटा, क्वेश्चन लेंथी है, ये आपको आप स्वयं करेंगे, आपके आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ इस पार्ट को, इसको आप जरूर ध्यान देंगे बेटा। ये एक जनरल मेथड के क्वेश्चन है, ये आपको बनना चाहिए। मैं कुछ ना कुछ अब आगे की मेथड करूंगा, मैं इसको पुनः एक बार जो बच्चे कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कहना मानते हैं, नोट कर रहे हैं, मैं उनके लिए पूरी शीट दोबारा रख रहा हूँ। शायद कोई चीज किसी क्रम में छूट गया हो बच्चों का, तो उनको ज्ञान में आ जाए कि हाँ कहीं छूटा है, तो आप नोट डाउन करो उस चीज को, कैसे कैसे इसको चेंज किया है वो देखो। फिर मैं अगले क्रम के क्वेश्चन को लेना चालू करूंगा, और आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो उनसे पुनः मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जरूर करें, बिल्कुल समय बर्बाद न करें। होता क्या है कि मैं दूर बैठा हूँ आपको, मैं केवल आपको आग्रह कर सकता हूँ, पढ़ने वाले बच्चे हैं कहना मान लेते हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं कहना नहीं मानते, मैं क्या कर सकता हूँ। आपके यदि साथी शिक्षक बगल में हो तो जरूर उनको मोटिवेट करें, बच्चों को प्रेरणा दें कि पढ़ें, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है चल रहा है। क्वेश्चन के इस मेथड को जरूर देखें बेटा, मैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा, अगले क्वेश्चंस के मेथड्स को लूंगा, पर जो स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा पुनः निवेदन है कि आप प्लीज उसको नोट करो पहले, कहीं इसमें कोई कोताही नहीं बरतो बेटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप के इंपॉर्टेंट लाइन के क्वेश्चन, आप जो नोट कभी कभी हेल्ड डाउन हो रहा है बात सत्य लाइन मौजूद तो ये इसको आप नोट करना बेटा, जो जिन बच्चों को दिख रहा है वो आप इसको नोट डाउन करो, हो सकता है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी आ जाती कभी कभी इसमें, तो आप इसको देखो बेटा, ये इसका कंटिन्यूशन में पार्ट मैंने दिया है, कंटिन्यूशन में जो मैंने पार्ट लिया है इस क्वेश्चन के पार्ट को देखो, बात बेटा जो नए पैटर्न के मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो डिनोमिनेटर में क्वेश्चन है। बेटा एक चीज जरूर ध्यान देना कि बहुत बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि जैसे नए प्रारूप के क्वेश्चन है, ये 1/(x²+2x+7) ध्यान देना बेटा। अब होता क्या है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका मैंने डिस्क्रिमिनेट निकाला, ध्यान देना बेटा, डिस्क्रिमिनेट निकाल के बता रहा हूँ, x²(2x+7) जो इक्वेशन है इसका डी निकाल रहा हूँ, फार्मूला b²-4ac, ध्यान देना बेटा। मैं क्यों निकाल रहा हूँ उसका मैं कारण बताता हूँ, a की जगह 1, c की जगह 7, 7 × 4 = 28 और d बराबर हो जाएगा -28 में 4 गया कितना गया 24, लेस देन कितना होगा 0, यानी 24 लिखा बेटा। तो इसका मतलब है कि ये जो भाग है बेटा ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है जो बच्चे पढ़ने वाले क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या होता है, बच्चे रट के करने की कोशिश करते हैं, यह गुणनखंड नहीं होगा, यह गुणनखंड नहीं होगा, ध्यान देना बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करके बताया नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट कितना आ रहा है -24 जो कि 0 से क्या है कम है। अब बहुत जगह बच्चे क्या होते हैं कि इसको पहला जो प्रश्नावली है, मतलब हार्डर इंटीग्रेशन की जो पहली प्रश्नावली है, बच्चे उसकी तरफ मोटिवेट होंगे करने के लिए, पर उस तरीके से हो गई नहीं ये सवाल। यदि गुणनखंड हो जाता, मैं बता रहा हूँ बेटा, यदि गुणनखंड हो जाता, मैं नोट करके देता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना है इसमें, कि यदि गुणनखंड हो जाता
यदि गुणनखंड हो जाता तो प्रारंभिक विधि काम आती है ना, तो प्रारंभिक विधि से करते, ये बिल्कुल कंफर्म है ना, पार्शियल फ्रैक्शन से करते बेटा, आंकिक भिन्न की मेथड से सवाल करते। बच्चे की गुणनखंड नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का जो मान है, विविक्तकर का जो मान है, वो हमारा जीरो से कम है, इसमें हम प्रारंभिक विधि नहीं लगा सकते हैं, आंकिक विधि, आंकिक भिन्न की विधि नहीं लगा सकते हैं। इसमें हम क्या लगाएंगे, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे, टू कन्वर्ट इक्वेशन इन कंप्लीट स्क्वायर, नॉट सॉल्विंग द प्रीवियस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसको पार्शियल की मेथड से हम कर ही नहीं सकते हैं। और यदि गुणनखंड हो जाता, यदि गुणनखंड मतलब इसके फैक्टराइज हो जाते क्वेश्चन, तो आप जो पहली प्रश्नावली कल हमने की थी उस मेथड से करते इसको, क्योंकि गुणनखंड नहीं हो रहा है इसलिए इसको पहली प्रश्नावली के मेथड से आप नहीं करोगे, इसको आप किससे करोगे, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कन्वर्ट करके करोगे। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हिंट बताऊंगा, यदि क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म ये, आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लोगे, डिस्क्रिमिनेंट यदि माइनस में आ रहा है तो यह पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंकिक भिन्न के मेथड से नहीं होगा। यदि गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड कब होता है, गुणनखंड कम होता है बच्चों जब d का मान पॉजिटिव होता है, मैं लिख देता हूं, जब d कितना होता है, धन होता है, या d कितना होता है, शून्य होता है, तो गुणनखंड होता है, d माइनस होने पे गुणनखंड नहीं होता है, ये याद रखना। फिर किस मेथड से करेंगे, तो क्वेश्चन किस मेथड से करेंगे इंटीग्रेशन का, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखा मैंने, 2x+7, बिल्कुल साइड में जाना, आप करना आप मेथड में, मैं पूरा नहीं बताऊंगा सवाल, इसको आप क्या करोगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2a(b) प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 7, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को आप क्या लिखोगे, x+1 का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस 6 लिखा, x+1 का होल स्क्वायर, और 6 को लिखोगे √6 का कितना लिखा, होल स्क्वायर। i बराबर हो जाएगा, ऊपर ये माफ करना dx लगा देते हैं, ऐसा 1 dx लगा देते हैं, और नीचे वाले पार्ट को आप क्या लिखोगे, x+1 का होल स्क्वायर और प्लस √6 का कितना लिखा, होल स्क्वायर। और फिर भी आगे माना कि लेट x+1 को t मानोगे और dx बराबर कितना हो जाएगा dt, तो ये बदल किस तरीके से लिखा जाएगा, ये dt अपॉन t² + √6 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे सूत्र का उपयोग करके, सूत्र प्रयोग करके हल करेंगे, ये ध्यान देना, ये जो मेन इम्पोर्टेंट मेथड थी, यहीं तक बच्चों को स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, जो वो मैंने बताने की कोशिश की है, और आगे तो आपको बनना चाहिए क्वेश्चन, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी बेटा, कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक दो जगह जरूर प्रॉब्लम आती है, वो जो प्रॉब्लम होगी इसको अपन शॉर्ट आउट करने की पूरी तरह प्रयत्न करेंगे, पर स्टार्टिंग फंडामेंटल यही कहलाता है कि आप पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, और डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकलता है ना, डिस्क्रिमिनेंट यदि जीरो या धन आता है तो गुणनखंड करोगे, और आंकिक विधि से आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड उपयोग करके इसको इंटीग्रेट करोगे, और नहीं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम दूसरे क्वेश्चन को इसी के क्रम में लेते हैं, हम बताने की कोशिश करते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं बेटा, है ध्यान देना, क्वेश्चन बिल्कुल सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन फिर मैं अलग हटके लेता हूँ, ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, मैं पूरे क्वेश्चन को नहीं अटेंड करूंगा, बस मेन पॉइंट्स को बताऊंगा, जैसे 4x+5 लिखा है यहाँ पे, और नीचे लिखा है x² + 4x + 9 लिखा है, इसमें भी हमको नीचे t मानेंगे, होता क्या है
के नीचे टीम मानेंगे, निखिल हैंग हो गया फिर से, इसमें भी क्या मानेंगे, यहाँ पर हम ये नीचे वाले फंक्शन को टी मानेंगे तो ऊपर का फंक्शन आना चाहिए, ये इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 4 आएगा, ये ऊपर का फंक्शन नहीं आ रहा है। जब ऊपर के फंक्शन नहीं आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हम दूसरी मेथड का इसमें सदुपयोग करते हैं, और दूसरी मेथड क्या हो सकती है वो आपको हम अलग से फॉर्म करके दिखाते हैं। ध्यान देना बेटा, बिल्कुल आप ये ऐसा लिखोगे 4x+5 a ब्रैकेट के अंदर d/dx डिनोमिनेटर प्लस कितना लिखा b d फॉर डिनोमिनेटर प्लस b d 4x+5 लिखा, ये लिखा मैंने d/dx डिनोमिनेटर में इस वाले पार्ट को लोगे, केवल इस पार्ट लेंदर वाले पार्ट को x² + 4, यहाँ पे कितना लिखा b, ध्यान देना बेटा पूरा डिनोमिनेटर का मतलब रूट के साथ नहीं लेना, केवल इसके जो वैल्यूज को लिखी है उस वैल्यू के यहाँ पे अवकलन करोगे। 4x+5 इक्वल टू a लिखा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x+ कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना लिखा b, तुलना करेंगे x के गुणांक की तुलना करने पर, मैं पुनः बड़े पेपर पे लेता हूँ, एक्स के गुणांक की तुलना करने पर ये 4 है, यहाँ पे गुणांक आ गए यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2 × 2 = 4, a का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर हम स्थिरांक की तुलना करेंगे बेटा, ये 5 लिखा है, स्थिरांक का यहाँ पे 4a + b हो जाएगा, ये 5 लिखा, a की जगह यहाँ पे 2 लिखोगे प्लस b, 4 × 2 = 8, और b की जगह कितना होगा ये -3, b की जगह कितना होगा। मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि आप इस वाले पार्ट को देखो जो मैं राउंड लगा रहा हूँ, तो क्या लिखोगे 4x+5 बराबर जगह कितना लिखा है, एक जगह कितना लिखा है, और ब्रैकेट के अंदर 2x+4 और b की जगह कितना लिखोगे -3। ये इस तरीके का रीअरेंजमेंट होना चाहिए, मैं आपको पुनः बता रहा हूँ जो मैंने किया बेटा, आप समझदार बच्चे हो, आप जानते इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस, आप समझते हो तो नोट कर सकते हो। तो इतना इतना पार्शियल मेथड तो हमको इसका 2x+4 और ये इस तरीके से, मतलब इस वाले पार्ट को यदि हम ब्रेक करेंगे तो ऐसे दो पार्ट्स में टूटेगा, ये कंपलसरी, ये इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो छोटी छोटी चीजों को तो हम याद कर लेते हैं, पर जब कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप आएगा तो उसको हम याद नहीं कर पाएंगे, उसको हम समझना ही पड़ेगा मेरे को, और ये समझने की प्राइमरी स्टेज है कि इसके बिना क्वेश्चन संभव नहीं होना, इसके बिना क्वेश्चन संभव नहीं होना बेटा, तो ये आपको मीनिंगफुल याद रखना पड़ेगा। मैं आगे करता हूँ क्वेश्चन, मैं आगे समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि क्वेश्चन को आप फर्दर ब्रेक कैसे करेंगे, वो बिल्कुल मैं बताने की कोशिश करता हूँ, पर जो बेसिक पार्ट दिया है उस बेसिक पार्ट को तो आपको नोट करना पड़ेगा, और यही बेसिक है, जो बेसिक पार्ट है उसको मैं जरूर पुनः एक बार आपके सामने एक्सप्लेन जरूर करूंगा, बनना चाहिए आपको, मेरे ख्याल से तो बनना चाहिए बेटा, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको आना चाहिए सवाल, बेसिक फंडामेंटल है क्वेश्चन का, बेसिक फंडामेंटल, और ये हमको लगता है कि ये ब्रेक करने का तरीका है और ये आपको बनना चाहिए बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट भी करेंगे, नोट करना भी चाहिए बच्चों को कि बनता कैसे क्वेश्चन, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो न्यूमरेटर है अंश का जो भाग है उसको कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप याद कर लोगे, कितना भी शार्प आईक्यू होगा तो कुछ जहां जहां कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं वहां पे बच्चे याद नहीं कर पाते, उन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा बेटा, बिना उसके नहीं चलेगा काम। अब इसके बाद इसको तोड़ोगे कैसे, इसके बाद इसको सवाल को कैसे लिखोगे, ये मैं आगे बताता हूँ, आप ध्यान देना, ये मैं आगे बताता हूँ, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ बेटा, मैं इसी को लेके बताता हूँ कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे।
ये मैंने पुनः लिखा, इंटीग्रेशन लिखा बेटा, इस वाले पार्ट की जगह लिखा 2 लिखा ब्रैकेट में, 2x प्लस 4 लिखा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 लिखा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट, ये dx लिखा जाएगा बेटा, हर जगह मेरे से छूट जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 लिखा माइनस 3 और ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना लिखा 9 लिखा, इस तरीके से बेटा ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कंप्लीट करोगे क्वेश्चंस को, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। इसको यहाँ पे टी मानोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 बराबर टी, तो ये 2x प्लस 4 dx बराबर dt, ये वाला पार्ट हो जाएगा आई इक्वल टू 2 लिखा बेटा ऊपर dt अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट टी माइनस 3, और इसको इसको ऐसे नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट को, इस राउंड अप वाले पार्ट को पूर्ण वर्ग बनाओगे, बगल वाले पार्ट को पूर्ण वर्ग बनाओगे, पूर्ण वर्ग बनाओगे इस तरीके से बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने पे मैं मार्क करके लिख देता हूँ, पूर्ण वर्ग बनाओगे उसके बाद लिखोगे ये वाला क्वेश्चन, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, बिना पूर्ण वर्ग बने क्वेश्चन नहीं होगा, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का बेटा। और जैसे यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हमने टी माना, तो यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन को सपोज करोगे, एक्स प्लस 2 इजकल टू यू लिखा, डी एक्स इजकल टू कितना लिखा डी यू, तो मेरा क्वेश्चन का नया रूप हो जाएगा, 2 लिखा इस वाले पार्ट के ऊपर लिख लो टी पावर ऋण 1/2 डी टी माइनस 3 और ये डी यू माफ करना अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, इसको आगे समाकलन करोगे, इसको फर्दर इंटीग्रेट करोगे, ये आप खुद करना, इसको आगे आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, ये जरूर ध्यान देना आगे इंटीग्रेट करना है आपको केवल, पर स्प्लिटिंग का जो तरीका है ये तो यही रहेगा, इसके बिना क्वेश्चन संभव नहीं है बेटा, इतना स्प्लिटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, और ये बेसिक है, ऐसा कोई मैंने कोई आपको एक्स्ट्रा अलग नहीं बताया, क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, इस मेथड को याद रखना आपका काम है ना, और मैंने कल भी कहा था, कल भी आपसे निवेदन किया था कि मेन आपका काम है पढ़ाई करना, जब तक आप एक बार घर से भी देख के नहीं आओगे तब तक कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पूरी मेथड को गौर से देखोगे। यदि कोई बच्चा नोट करना चाहता है, देखो क्या है कि मैं मालूम है कि बहुत बच्चे केवल बैठे हुए हैं, केवल देखने भर के लिए दूसरे क्लास के बच्चे बैठे हैं, मैंने कैसे स्प्लिट किया है, कैसे मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, पूरा फार्मूला मैंने लिखा हुआ है ना, वो आप यदि नोट करना चाहते जरूर नोट करो, मैं पूरा समय देता हूँ आपको, फिर मैं अगली शीट रखूंगा इसकी जो मैंने आगे किए, पर जो मैंने ये जो शीट की है ये क्वेश्चन का मैसेज जाता है कि की पॉइंट है क्वेश्चन का, भी लगा दिया